मध्य प्रदेश 30 अगस्त 2019 शुक्रवार, मध्य प्रदेश की आज की ताज़ा खबर। दोस्त स्वागत है आपका ज्ञान मित्र न्यूज़ में, मैं हूँ आपका ज्ञान मित्र कुलदीप पांडे। दर्शकों, आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश की आज की ताज़ा खबर के विषय में, जो कि निकल के आ रही है 30 अगस्त 2019 शुक्रवार से। तो कौन कौन सी खबरें हैं और क्या बड़ी जानकारी जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इस तरह का अपडेट न्यूज़ मध्य प्रदेश में सबसे पहले प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबा दें, जिससे इस तरह का अपडेट न्यूज़ आप तक तुरंत पहुँच पाए और आप उनसे लाभान्वित हो सके। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का विषय, जान लेते हैं पूरे अपडेट को विस्तार से। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि सभी जानकारी से लाभान्वित हो सके। आइए शुरू करते हैं पहली बड़ी अपडेट खबर से, जो कि निकल के आ रही है जबलपुर मंडला राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लगाया जाम, विधायक धरने पर बैठे। दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है, खराब सड़क को लेकर और अपने विधानसभा की जनता को परेशान होते हुए देख कांग्रेस विधायक अशोक मर्सकोले ने भले ही टोल प्लाजा के सामने जनहित की बात कहकर धरना दिया, पर उनके धरने से सैकड़ों लोग घंटों तक परेशान होते रहे। विधायक जी इस इधर अधिकारियों के से खराब सड़क को लेकर चर्चा करते रहे, तो वहीं कांग्रेस विधायक के समर्थन टोल प्लाजा पर जाम कर बैठे, जिसके चलते दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। इधर पुलिस ने भी कांग्रेस समर्थकों के धरने को देखते हुए मुग्ध दर्शक बनी रही। करीब 2 घंटे तक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नेशनल हाईवे 30 पर जाम लगा दिया। आलम यह रहा कि कई किलोमीटर तक वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। टोल प्लाजा में टैक्स छूट को लेकर शुरू हुई कांग्रेस के इस आंदोलन में सैकड़ों लोग फंस कर रह गए। कुछ लोगों को जल्दी जाना था तो कुछ अति आवश्यक सेवा में लगे हुए थे। बावजूद इसके कांग्रेस कार्यकर्ता राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम करे रहे। राष्ट्रीय राजमार्ग में जाम को लेकर जब हमने एसडीएम मनेंद्र सिंह से बात की, तो उन्होंने सड़क पर लगे जाम को ही यह कहकर झूठा साबित कर दिया कि लोग अपनी स्वेच्छा से खड़े हुए हैं और किसी भी प्रकार का जाम सड़क पर नहीं लगा हुआ है। बहरहाल तस्वीरें यह बयां करती ही थी कि कांग्रेस विधायक अशोक मर्सकोले के इस धरने में सैकड़ों लोग घंटों तक फंसे रहे हैं और पुलिस प्रशासन के अधिकारी उनकी बातों को सुनते रहे। आइए बढ़ते आगे बात कर लेते हैं दूसरी बड़ी अपडेट खबर की, जो कि निकल के आ रही है मुख्यमंत्री कमलनाथ दिल्ली के लिए रवाना, हाईकमान से पीसीसी चीफ का होगी चर्चा। दोस्तों, आपको बता दें मध्य प्रदेश में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के नाम को लेकर लगातार घमासान जारी है। मुख्यमंत्री कमलनाथ गुरुवार को पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी से के बुलावे पर दिल्ली रवाना हो गए हैं। बताया जा रहा है कि आज मंत्रालय में अपना कामकाज में व्यस्त थे, अचानक ही उन्हें दिल्ली से फ़ोन आया, जिसके बाद वे दिल्ली रवाना हो गए। सूत्रों के मुताबिक प्रदेश अध्यक्ष के नाम को लेकर वे दिल्ली में चर्चा करेंगे, 1-2 दिन में नाम पर फैसला हो जाएगा। दरअसल प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में कांग्रेस के कई गुट आ गए हैं। मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक कमलनाथ दिल्ली रवाना हो गए हैं। उनके इस दौरे को प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर चर्चा से जोड़कर देखा जा रहा है। इस रेस में पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह, पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह, मंत्री बाला बच्चन और पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत कई दिग्गज नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं। यह भी कयास लगाए जा रहे हैं कि पार्टी के प्रदेश के नाम पर 1-2 दिन में मुहर लग सकती है। जब से प्रदेश अध्यक्ष के नए नामों पर विचार किया जा रहा है, कांग्रेस के कई दिग्गज इस समय सामने आ रहा है। इसमें सिंधिया, अजय सिंह, दिग्विजय सिंह के गुट सामने आ रहे हैं। लगातार प्रेशर पॉलिटिक्स सामने आ रही है और विधानसभा चुनाव के समय से को एकजुटता कांग्रेस में देखी गई थी, वह फिलहाल नहीं दिख रही है। नेताओं की एकता अखंडित होती दिखाई दे रही है। पिछले दिनों प्रदेश प्रभारी ने नेताओं की बात कर रायशुमारी भी की थी। आइए बढ़ते आगे बात कर लेते हैं तीसरी बड़ी अपडेट खबर की, जो कि निकल के आ रही है बड़ा खुलासा, कमलनाथ के मंत्री के बंगले में छुपी है शिवराज सिंह चौहान सरकार राज की भ्रष्टाचार की फाइल। दोस्तों, बड़ा खुलासा हुआ है, सत्ता में आने के बाद कमलनाथ सरकार ने शिवराज में हुए घोटालों की जांच करने की बात कही थी और कई घोटालों पर जांच भी
चल रही है, लेकिन अभी भी कई ऐसे घोटाले हैं जिनका काला चिट्ठा खुलना अभी भी बाकी है। इसका खुलासा आरटीआई एक्टिविटीज़ अजय दुबे किए हैं। दुबे ने कमलनाथ सरकार पर बड़े आरोप लगाए हैं और कई सवाल भी पूछे हैं। दुबे का कहना है कि कांग्रेस के पर्यटन मंत्री सुरेंद्र सिंह बघेल हनी शिवराज सरकार के भ्रष्टाचार की फाइल 8 महीने से बंगले पर छुपाए बैठे हैं। दरअसल शिवराज सरकार के बाद अब आरटीआई एक्टिविटीज़ अजय दुबे ने कमलनाथ सरकार को निशाने पर लेना शुरू कर दिया है। दुबे ने कमलनाथ सरकार पर बड़े आरोप लगाए हैं और कई सवाल पूछे हैं। दुबे का कहना है कि कांग्रेस के पर्यटन मंत्री सुरेंद्र सिंह बघेल हनी शिवराज सिंह सरकार के भ्रष्टाचार की फाइलें 8 महीने से बंगले पर छुपा कर बैठे हैं। साथ ही दुबे ने यह भी पूछा है कि मंत्री जनता को जवाब दें कि वो क्या जानकारी और छुपा रहे हैं। दुबे का कहना है कि मैंने मार्च 2019 में पूछा तो अप्रैल में बताया कि फाइल मंत्री बंगले पर है, फिर अगस्त में पता करने पर सूचना मिली कि फाइलें मंत्री बंगले पर कैद हैं। मंत्री जनता को जवाब दे दें कि क्यों जानकारी को छुपा रहे हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम का उल्लंघन करने के लिए जिम्मेदार मंत्री और पर्यटन बोर्ड के खिलाफ सूचना आयोग ने शिकायत दर्ज कराएंगे। हम मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार के ऐसे सफ़ेद हाथी और ऑफिसों पर लाखों रुपए खर्च करने के बजाय उन्हें बल्लभ भवन में खाली स्थान पर भेजें और जनता का पैसा बचाएं। आइए जान लेते क्या है मामला पूरा। बता दें कि शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में भोपाल में लिली टावर में मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड मुख्यालय के 7 लाख से के किराए और शाही साज सज्जा की गड़बड़ी का मामला सामने आया था। पिछली सरकार के कार्यकाल में हुई गड़बड़ी को वर्तमान सरकार ने आरटीआई के रडार को छुपा रखा है। आइए बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं चौथी बड़ी अपडेट खबर की, जो कि निकल कर रही है जनता और कमलनाथ के बीच बढ़ रही है दूरियां। दोस्तों आपको बता दें, मुझे लगता है यह महसूस हो रहा है कि मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार और जनता के बीच दूरी बढ़ती जा रही है। मध्य प्रदेश कमलनाथ सरकार और उसके मंत्री माल कूटने में इतने व्यस्त हैं कि उन्हें एहसास ही नहीं है कि उनका जनाधार बुरी तरह से फिसल रहा है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस का कार्यकर्ता सबसे अधिक हताश नज़र आ रहा है। सरकार के पास ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है जिससे वह जनता के मूड को लगातार भांप सके। परसों आगर और कल पिछोर शिवपुरी में शिवराज सिंह चौहान की सभा में उमड़ा सैलाब सरकार के लिए अलार्म है। आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम कुछ जिलों को छोड़कर टाए टाए फिस हो चुका है। मुख्यमंत्री ने स्वयं को मंत्रालय की मजबूत दीवारों में कैद कर रखा है और कांग्रेस के जनाधार वाले नेता लाख प्रयासों के बाद भी मुख्यमंत्री से मिलने में असमर्थ हैं। अभी इस खबर की पुष्टि होना बाकी है कि अधिकारियों ने जय किसान फसल ऋण माफी योजना के नाम पर प्रदेश में सीएम की 33 फर्जी सभाओं के नाम पर करोड़ों रुपए का भुगतान किसको वो कर दिया है। और प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह ने अवैध उत्खनन के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। सिंधिया समर्थक ने अपने नेताओं की उपेक्षा से दुखी होकर अलग अलग राय अलाप रखा है। कुल मिलाकर वर्तमान हालात में कांग्रेस के वे तमाम नेता और कार्यकर्ता दुखी हैं जिन्हें 15 साल बाद अपनी सरकार बनाने के लिए जी तोड़ मेहनत की थी। निगम मंडल के में नियुक्त की आस में प्रदेश भर के 500 से अधिक नेता भोपाल में मुख्यमंत्री और मंत्रियों के यहाँ हाजिरी लगाते दिखाई दे रहे हैं। आइए बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं पांचवी और अंतिम बड़ी खबर के बारे में जो निकल के आ रही है। अवैध खनन पर 3 मंत्रियों ने साधी चुप्पी, ग्वालियर शिवपुरी भी अवैध खनन में आगे। दोस्तों आपको बता दें, मध्य प्रदेश में रेत अवैध खनन का मामले पर विवाद बढ़ता जा रहा है। सहकारिता मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह ने अवैध रेत खनन को लेकर पुलिस और खनिज विभाग की मिलीभगत होने की बात कही थी, जिसके बाद से वह विपक्ष समेत अपनी ही पार्टी के विधायक और नेताओं के निशाने पर आ गए। बता दें कि भिंड के अलावा ग्वालियर और शिवपुरी में भी जबरदस्त तरीके से अवैध खनन को हो रहा है, लेकिन ग्वालियर और शिवपुरी के दोनों प्रभारी सहित ग्वालियर जिले के मंत्री चुप बैठे हैं।
विधायक भदौरिया समेत विधायक रणधीर जाटव, पूर्व जिला अध्यक्ष रमेश दुबे और प्रदेश महामंत्री अशोक चौधरी ने मंत्री गोविंद सिंह के बयान को गलत ठहराते हुए उन पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा है कि मंत्री का सार्वजनिक तौर पर बयानबाजी गलत है। उनका कहना है कि अगर मंत्री को इस मामले को उठाना है तो कैबिनेट में क्यों नहीं रखी। उन्होंने बात गोहत से विधायक रणवीर जाटव ने कहा कि चुन चुन कर नहीं सभी जगह एक जैसे हो अवैध खनन को लेकर कार्यवाही की जाए। प्रदेश महामंत्री अशोक चौधरी ने भी गोविंद सिंह के बयान के बाद उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने कहा बयान में कहा है कि मंत्री के इलाके लहार और विधानसभा समेत दतिया जिले में सबसे अधिक अवैध उत्खनन हो रहा है और यह किसके संरक्षण में हो रहा है इसकी सबको जानकारी है। विधायक रणवीर जाटव और उपवास भदौरिया ने कहा कि हमारे क्षेत्र में कोई थाना नहीं बिका। मंत्री जी बताएं कौन पुलिस वाला ले रहा है अवैध वसूली। दर्शकों इतनी कुछ जानकारी जो हम आपको लेकर आए थे मध्य प्रदेश की आज की ताज़ा खबरें जो निकल के आ रही थी 30 अगस्त 2019 शुक्रवार। तो आशा करते हैं आपको हमारा आज का विषय पसंद आया होगा। या पसंद आया लाइक करें और इससे लोगों तक शेयर करें ताकि सभी जानकारी से लाभान्वित हो सकें। आज के वीडियो में बताएं हम फिर आए होते हैं नए विषय के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।